सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मसुबकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यवसायिक अर्थशास्त्र में यूनिट संख्या सेकंड में डिमांड एनालिसिस चैप्टर के अंतर्गत आज बहुत ही उपयोगी टॉपिक मांग का नियम क्या है, मांग के नियम के अपवाद और मांग का नियम किन परिस्थितियों में क्रियाशील नहीं होता है, या मांग रेखाएं दाएं और नीचे और क्यों झुकती हैं, या अपवाद बात एक ही है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि मांग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में हम आज मांग के नियम की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसको हम व्यवहारिक जीवन में भी लागू करें तो यह लागू होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, इसमें पहले तो हम जैसे बात करें, पुनः है जो पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की कि मांग क्या है। मांग किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा होना ही क्या कहलाती है, मांग कहलाती है, जिसमें विभिन्न तत्वों का समावेश होता है। प्रथम, किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा। दूसरी, स्थान, समय और मूल्य सम्मिलित है तो वो क्या होगी, मांग कहलाएगी। अब हम बात करते हैं मांग के नियम की। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम मूल्य और मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध ही क्या कहलाता है, मांग का नियम। छोटी सी कंसेप्ट डेफिनेशन है, मूल्य मतलब प्राइस और वस्तु की मांगी गई मात्रा, वस्तु की मांगी गई मात्रा क्वांटिटी, इसमें क्या होगा, विपरीत संबंध होगा, वो क्या कहलाएगा, मांग का नियम। कैसे? मूल्य व मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध किस प्रकार से होगा, कैसे होगा? अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ती है, तो व्यवहारिक जीवन में आप देखते हो उसकी क्वांटिटी आप क्या करोगे, कम काम में लोगे, या उसकी क्वांटिटी को अपन कम खरीदेंगे। अगर किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी आप क्या करोगे, ज़्यादा क्रय करोगे। यही क्या है, मांग का नियम है। परंतु इसमें भी कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है, कुछ बातों को स्थिर रखा जाता है, जैसे रुचि, आदत, फैशन, इसको क्या रखा जाएगा, स्थिर रखा जाएगा। अगर आपने इसकी पालना नहीं की तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। तो आपको किसी वस्तु या मांगी गई मात्रा या मूल्य और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध ही मांग का नियम कहलाता है। तो आप एग्जाम में इसका प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, सर्वप्रथम तो थोड़ी सी उसकी भूमिका के बारे में लिखेंगे कि मांग किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा, मांग है जिसमें विभिन्न तत्वों का समावेश है, जिसमें मूल्य, समय और स्थान सम्मिलित है, मांग है। फिर आप बात करेंगे हम मांग के नियम की, मांग का नियम का अर्थ सामान्य शब्दों में। तो सामान्य शब्दों में मांग का नियम क्या लिखोगे, कि सामान्य शब्दों में मांग के नियम में यह नियम वस्तु का, वस्तु के मूल्य व उसकी मांगी गई या मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बताता है, मांग का नियम कहलाता है।
फिर दूसरे शब्दों में लिखोगे कि मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर, जैसे रुचि, आदत, फैशन, एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है और मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। कहने का मतलब ये है, किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, अधिक मांगेंगे, और अगर मूल्य अधिक होगा तो उसकी मांगी गई मात्रा कम, वही मांग का नियम। विभिन्न परिभाषाओं, विभिन्न विद्वानों ने भी ये परिभाषाएं दी हैं, जिसमें प्रथम हम बात करें मार्शल। मार्शल के अनुसार कहते हैं कि मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने के साथ क्या होती है, घटती है। बात सही है, वहीं आ गई। दूसरे हम सैमुएलसन के अनुसार कहें, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए या अन्य बातों के स्थिर रहने पर उस यह कम मूल्य पर बेची जा सकती है, ये अपन सैमुएलसन कहते हैं। बेहनम भी ये कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी मांग की मात्रा और कीमत में संबंधित होती है या कीमत में विपरीत संबंध होता है, यही मांग का नियम है। अब हम निष्कर्ष रूप से बात करें। निष्कर्ष रूप से हम ये कहेंगे, मांग तथा मूल्य में विपरीत संबंध होता है, मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है और मूल्य में कमी आने पर मांग बढ़ जाती है, यही मांग का नियम है। अब हम बहुत ही इसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये, तो इसकी परिभाषाओं के बारे में बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे इसकी मान्यताओं के बारे में। मान्यताओं में मैंने आपको पहले ही बताई थी, पहली मान्यता तो ये होगी उपभोक्ता का स्वभाव। रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन नहीं। नहीं होना चाहिए। दूसरी, उपभोक्ता की आय क्या रहनी चाहिए, उपभोक्ता की आय क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। अगर आय स्थिर नहीं होगी तो यह है मान्यताओं के विपरीत, एक्सेप्शन कहलाएगा। एक, उपभोक्ता के प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए, महंगी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा प्रदान करती है वो नहीं होनी, इसकी मान्यताओं में आती है। और वस्तु के नए स्थानापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए, कोई नए स्थानापन दूसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अन्य वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की किस्म में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और भविष्य में मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वही मांग का नियम प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे मांग के नियम की व्याख्या, एक उदाहरण के माध्यम से सचित्र करेंगे कि मांग का नियम किस प्रकार से क्रियाशील होता है। ये मान लेते हैं अपन मूल्य और ये वस्तु की मांगी गई मात्रा। एक टेबल के माध्यम से करके इसके डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मानते हैं किसी वस्तु का मूल्य 6 है तो उसकी 2 मात्रा मांगी गई, मान लेते हैं, कल्पना हो सकता है, पर 8 मांग सकते हो मांगी गई मात्रा, 3 मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर मूल्य कम हो जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 4 क्वांटिटी मांग लेंगे। यहाँ पर मूल्य अगर कम हो जाता है अपना 4 रुपये हो जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यहाँ पर मूल्य और भी कम हो जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यही अपना मांग का नियम कहलाता है। इसको हम डायग्राम के द्वारा देखें तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ये वस्तु का मूल्य प्राइस और ये क्वांटिटी मांगी गई मात्रा, वस्तु की मांगी गई मात्रा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। मूल्य 2, 4 और 6, 1, 2 इस प्रकार से आ गया, यहाँ पर 2, 4, 6 और 8। 6 रुपये में अपनी कितनी क्वांटिटी मांगी, 2, तो 6 रुपये में 2, तो ये इस प्रकार से हम देख लेंगे। यहाँ पर 5 रुपये कम हुई, मूल्य में क्या हुई, कमी हुई, तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई, तो 4 क्वांटिटी कितने रुपये में, 4 रुपये में 4। फिर यहाँ पर दोबारा कम हो गई, 4 रुपये में 6, 6 क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये तो यहाँ पर 5 था, सॉरी 4 रुपये में क्वांटिटी क्या बढ़ गई, 6 हो गई, और यहाँ पर 3 रुपये में क्वांटिटी 8,
तो तीन पे क्वांटिटी आठ। तो इस प्रकार से ये अपने बिंदु हैं, ये अपनी क्या कहलाएगी, मांग रेखा, डिमांड कर्व। तो ये मांग वक्र किस प्रकार से बना, इस प्रकार से मांग वक्र बनता है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये मांग के नियम की व्याख्या है, आप आसानी से इसमें अपन कर सकते हैं, डिमांड करो या मांग रेखा हम इसे कहेंगे। अब इस नियम के कौन कौन से हैं लागू होने के कारण, इस नियम के लागू होने के कारण भी हैं वो आपको एग्जाम में ज़रूर लिखने हैं। पहला तो है इस नियम के लागू होने के कारण में आय प्रभाव। आय प्रभाव कैसे, अगर किसी व्यक्ति की अगर इनकम नहीं है तो वो कहाँ से मांग के नियम का एनालिसिस कर पाएगा। आय में अगर कमी होगी, आय में कमी होगी तो उसकी क्वांटिटी, कोई वस्तु क्वांटिटी क्या करेगा, वो कम करेगा। तो अपन एक आय इनकम फैक्टर बहुत ही मायने इसमें रखता है। दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, दूसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्थापन प्रभाव भी प्रभावित करता है मांग के नियम में। एक सीमांत उपयोगिता हास नियम, जैसा मैंने आपको पूर्व बताया था, जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता में क्या आती है, कमी आती है, उन्हीं से संबंधित है। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम भी इसमें प्रभावित रहता है। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, क्रेताओं की संख्याओं में परिवर्तन इसमें होते रहते हैं, तो ये भी मांग के नियम के लागू होने के कारण है। नए प्रयोग, नए एक्सपेरिमेंट हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, तो ये तो लागू होने के कारण है। अब हम बात करें ठीक विपरीत मांग के नियम के अपवादों की। अब इसी उदाहरण के द्वारा हम देखें, मान लेते हैं मांग के नियम के अपवाद की चर्चा करें तो किस प्रकार से होगा। ये तो मान लेते हैं अपन किसी वस्तु का मूल्य और ये मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा। मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य यहाँ पर 3, 4, 6, 8 बढ़ते क्रम में ले लिया। 3 रुपये में अपन कितनी वस्तु क्रय कर पा रहे हैं, 2 ही कर पा रहे हैं, कम, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था रुचि आदत फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रुचि आदत में परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए 2। 4 रुपये में क्वांटिटी क्या मांगेंगे, 4 बराबर हो गया यहाँ पर। 6 रुपये में, मतलब 5 रुपये में 6, यहाँ पर विपरीत हो रहा है इससे, और 8 रुपये 6 रुपये तक ही, तीन क्वांटिटी तक ही अपन ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 8 8 रुपये और ले लेते हैं, 8 रुपये 6 तक ही देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6 रुपये में क्वांटिटी, यहाँ पर अपन 8 क्वांटिटी अधिक मात्रा क्रय कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जैसे मूल्य बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी क्या हो रही है इसमें, यहाँ पर बढ़ रही है। तो इसका अपन डायग्राम हम बनाए तो देखिए डायग्राम किस प्रकार से ये बनता है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मूल्य और यहाँ पर मांगी गई मात्रा क्वांटिटी। तो मूल्य अपन यहाँ ले लेंगे प्राइस 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 2, 4, 6, 8। तो देखो 3 रुपये में 2 2, 4, 6, 8 ये तो ही होगा, 3 रुपये में 2 और 4 रुपये में 4, 5 में 6 क्वांटिटी। तो ये अपना ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो ये मांग के नियम को नियमों की अपवादों में आते हैं। तो इसी क्रम में हम अपवादों की हम बात करें तो ये भी मांग के नियम के अपवाद में है, जिसमें पहला अपवाद तो आता है गिफिन वस्तुएं। गिफिन गुड्स घटिया किस्म की वस्तु होती हैं जो कि मांग के नियम पर लागू नहीं हो पाता है, जिसमें जवार मोटा अनाज इसमें सम्मिलित है। प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, हीरे जवाहरात सोने ब्याह शादियों में बहुत अपने आवश्यकता होती है, उस टाइम में कितनी महंगी वस्तु हो तो भी उपभोक्ता उसको क्रय करता है, तो प्रतिष्ठामूलक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। एक उपभोक्ता की अज्ञानता, मार्केट में चला जाता है ज्ञानी उपभोक्ता अनपढ़ उसको पता नहीं तो कितने पैसे दिया है, तो ये भी क्या है एक उपभोक्ता की अज्ञानता के अंतर्गत भी है मांग के नियम पे लागू नहीं। एक सट्टे प्रवृत्ति, जो जुए खेलते हैं उस पर कुछ नहीं है, मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा हो घट रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें भी मांग का नियम का अपवाद सम्मिलित है। एक जीवन की अनिवार्य वस्तुएं, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा, जैसे आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, चाहे पानी कितना ही महंगा हो तो आपको वो लेना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, तो वो जीवन की कुछ अनिवार्य वस्तुएं हैं उसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान और भी मूलभूत आवश्यकताओं में सम्मिलित हैं। युद्ध व आपातकाल में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि युद्ध व आपातकाल में अनावश्यक प्रकृति से अनेक प्रकार के जनधन की हानि हो जाती है, जिससे
वस्तु की मात्रा मांग विपरीत प्रभाव पड़ता है उस पर लागू नहीं होता है। एक विशिष्ट पेटेंट व्यापार चिन्ह वाली वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं तो उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। किसी वस्तु पर किया गया कुल व्यय का बहुत छोटा भाग पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो हम आज इस वीडियो में मांग के नियम के संक्षिप्त के बारे में हमने अध्ययन किए, जो कि नोट्स के माध्यम से आप भी इनको थोड़ा सा देखना, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे मांग के नियम के प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।